नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल कमेंट कम्युनिटी टैब में आपको एक स्टडी प्लान डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं 15 दिन, चूँकि अब हमारे पास ग्राम विकास अधिकारी के जो पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो 15 डेज रिविजन क्लासेज यहाँ पर मैं चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके प्रीवियस सेस में विभिन्न एग्जाम में यूपी टीपीएससी की पूछे गए क्वेश्चन ही रिवाइज होंगे, ताकि आप लोगों ने बाकी सारी चीज़ें आप तक पढ़ ली होंगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो प्रीवियस सेस में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेस के होंगे। आपके सामान्य ज्ञान और हिंदी के जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के होंगे, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में यूपी टीपीएससी की पूछे गए हैं, और वो रिवीजन क्लास आपकी 15 दिन की होगी। 15 दिन में मैं सारा यहाँ पर पेपर आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। दोस्तों, इसका रिवीजन क्लास का जो मैंने प्लान है, वो मैंने अभी तक चैनल पर अपलोड नहीं किया है। जल्दी मैं आपको रिवीजन क्लास का प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइम पे कौन सा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी टाइम पे सारे वीडियोस आपको रिवीजन क्लास में 15 दिन के लिए मिलते रहेंगे, ताकि आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, जिसमें डे वन का मैंने वीडियो आपको को बता दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उसको जाकर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज डे टू है, और इस डे टू में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का डे टू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जरूर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को जरूर देखें। स्टडी प्लान मैं आपको नीचे दे दूँगा, मतलब कि प्रोवाइड कर दूँगा जल्द ही अभी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम से कौन सा वीडियो मिलेगा। और रही बात दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो की, तो दोस्तों जो करंट अफेयर्स का वीडियो है, वो आपके एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले से मैं आपको तीन चार दिन लेकर आपको सारे का सारा 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपको वो भी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, तो वह है उत्तर प्रदेश को मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है, दोस्तों सबसे पहले तो बता दूँ, इस वीडियो में हम स्पेशली मिट्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है, कितने किस प्रकार की, कौन कौन सी मिट्टी होती है, कहाँ पाई जाती है, इस पर ये वीडियो डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वीडियो जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का आएगा, वो नदियों पर डेडिकेटेड होगा। इसी तरह से सब्जेक्ट टॉपिक वाइज वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के सारे टॉपिक के मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, दो जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये बता दूं यहाँ पर कौन कौन से वो जलवायु प्रदेश हैं। दोस्तों याद रखिए, आप नोट कर लीजिए, तो जो दो जलवायु प्रदेश हैं, वो हैं आपका, पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, और जो दूसरा है वो है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश पहला है, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। और दूसरे यहाँ पर कुछ पॉइंट बता दूं, आप नोट कर लीजिए, अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं, बैठा करिए, नोट करा करिए। तो दूसरा जो होता है, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आर्द्र और उष्ण प्रदेश होते हैं, इनको तराई क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश भी होते हैं, इनको तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब जो तराई क्षेत्र होती है, इनकी जो वर्षा होती है, ये होती है 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होता है, इसमें 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, इनको दो जो है क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो क्षेत्र हैं, एक तराई क्षेत्र है, जहां पर आपकी 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, और दूसरा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ता है, तो आंसर आपका हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। जो शीत ऋतु होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो तापमान है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो किस तरफ से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम से आने वाले जो चक्रवात होते हैं, इनके कारण जो है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, तो जो सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ये पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सर्वाधिक
औसत तापमान सर्वाधिक जो है औसत तापमान पाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो मैं बता दूँ, नोट कर लीजिए। जो उत्तर प्रदेश में 20 मिनट का औसत अधिकतम तापमान है ये 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथा जो औसत न्यूनतम तापमान है ये 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो औसत अधिकतम तापमान है ये 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ये ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो ये सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाने वाला क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, तो कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थित होने के कारण ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रो वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसको जो है दो भागों में इनके आधार पर विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से वो दो भाग हैं, तो आप नोट कर लीजिए। एक है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, और जो दूसरा है वो है दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ, ठीक है। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, और दूसरा है दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार एवं विंध्यन शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं आप बांगर, याद रखिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांगर मिट्टी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों जो बांगर मिट्टी होती है इसे आपको बताना है कि और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोमट मटियार बलुई, दोमट दो वाली गया, दोमट मटियार बलुई भूंड या पुरातन कॉप मिट्टी, ठीक है। तो बांगर मिट्टी को इन और अन्य नामों से जाना जाता है, तो अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपका जो है मटियार मिट्टी को या बांगर मिट्टी को अन्य किन और नाम से जाना जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारा वीडियो डेडिकेटेड है ज़्यादातर मिट्टियों पर, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में बांगर मिट्टियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा उपहार मिट्टी, ध्यान रखिएगा ये उपहार मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलोढ़ एवं दोम, यहाँ पर दोमट मिट्टी है, ध्यान रखिए दोमट लिख गया है, दोमट मिट्टी, ठीक है। तो जो दोमट मिट्टी है ये आपके उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, कौन सी, दोमट और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी होती है इसे सिकटा करियाल एवं धनका इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए कि गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं, तो इनको दोस्तों कहते हैं भोंड, क्या कहते हैं, भोंड, यानी कि यहाँ पर क्या सही आंसर है, भोंड, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्वेश्चन क्या है आपका, जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, भोंटा मिट्टी, ठीक है, ये आपके विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है जिसमें चूना अधिक होता है, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है जिसमें चूना अधिक होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मांट मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी, मांट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पड़वा मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दोस्तों जो पड़वा मिट्टी है ये आपके किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है पड़वा मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है तो वो है राकड़ मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, क्या लाल मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, तो आंसर आपका हो जाएगा मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों,
जिला, इन जो ये जो जिले हैं मुख्य रूप से लाल मिट्टी इन्हीं जिलों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊसर एवं रेह मिट्टी। उत्तर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ऊसर एवं रेह मिट्टी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की, सॉरी जो ऊसर और रेह मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ, यहाँ पर आपकी ऊसर एवं रेह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु अपरदन से जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं तो वो हैं मथुरा एवं आगरा, जी आपके वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अगला क्वेश्चन है जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। तो दोस्तों जलीय अपरदन से जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं तो वो हैं हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल डे टू, और इसी तरह से आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड रहेंगे, उत्तर प्रदेश के भी वीडियो पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसी तरह से वीडियोस डे बाय डे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका मैं स्टडी प्लान जो 15 डे रिविजन क्लास का स्टडी प्लान है वो मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ताकि उसी हिसाब से आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए और आपको उस टाइम के हिसाब से वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।